लिखा था चिट्ठी, जब पहले चिट्ठी डिलीवर करने से पहले आनी का आनी जर्जम का रेजिग्नेशन लेटर आई है विद हैवी हार्ट आई हैड रिसीव द पेपर एंड आई विल फॉरवर्ड इट टू बिकॉज शी इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ महिला कांग्रेस. When she resigns from the primary and active member of the party, she loses the entire portfolio which she is holding. I feel sad. A prominent faces of a face of a party has left, and anyway, it's a loss, but a very temporary loss. I wish her best of luck. मैंने दो तीन महीना से जब खबर कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस से जब खबर आए तो हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी और जनरल सेक्रेटरी को भी हमने कहा है कांग्रेस पार्टी एक भी सीट खोना नहीं चाहता है कि जब असेंबली इलेक्शन कुछ भी हो सकता है. मैं ज़्यादा यू नो ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम इलेक्शन लड़ना अच्छा नहीं. His position in the assembly is superb, very good. तो वहाँ कोई नॉमिनी दे देगा उसका रिजल्ट क्या होगा ये हमारे सामने हॉन्ट कर रहा है. इसलिए असेंबली को भी लड़ना है, लोकसभा को भी लड़ना है. ये मेरा एडवाइस है और मेरा सजेशन है और एंड ही इज गोइंग टू विन बोथ बोथ सीट्स. Means Tuki is contesting and it I think it would be a history in Arunachal Pradesh. A candidate is fighting MP seat and assembly seat as well. हाँ, अरुणाचल का हिस्ट्री में लोकसभा और असेंबली को लेके अलग अलग से फाइट कर है, ये हिस्ट्री होगा. लेकिन दो असेंबली सीट फाइट करते हैं ऐसा पहले ज़माने में भी हुआ है और आपांग जी ने भी पहले दो असेंबली सीट फाइट कर चुका है. लेकिन लोकसभा और असेंबली को एक साथ कांग्रेस पार्टी एक बेटरन लीडर को देता है उसका मतलब उसका वजन जो है उसका बहुत भरा है. फिर भी मुझे अपना कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है. रिज़ाइन किया उसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हूँ. मुझे इलेक्शन लड़ना है और ये पांचवी दफ़ा है मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने का एक मौका उनसे खोज रही थी, ढूंढ रही थी. तो अगर मौका नहीं दे रहे हैं तो समय हमारे हाथ में नहीं है और मुझे आने वाले 5 सालों में एक बहुत ही ज़रूरी काम अरुणाचल के लिए मुझे करना है. तो समय तो लगेगा लेकिन 5 साल में एक टीम तो तैयार हो सकता है, एक माहौल तैयार हो सकता है जहाँ पे जनता में एक जागरण आए. वो जनता को जागृत करना बहुत ज़रूरी है और इन 5 सालों में मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर मोहलत मिला तो मैं करना चाहती हूँ. और मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पार्टी की तरफ से मौका नहीं मिला तो मैं पार्टी को छोड़ दूँ.